हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैंक आईक्यू। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 1 मार्च है और आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है, एक बहुत बड़ा खुशी का मौका है। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन साहब जो हैं वो हमारे देश में वापस आ चुके हैं। ही इज सेफ एंड साउंड। वेलकम बैक होम सर। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज एंड फॉर योर करेज। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका नाम है डिजिटली एनेबल्ड मास सर्विसेज इज द फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कैबिनेट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। आईटी डिपार्टमेंट ने यह बताया है कि अगर आपको रिफंड्स चाहिए देन यू हैव टू लिंक योर पान विथ योर बैंक। इलेक्ट्रोनल बॉन्ड्स मार्च से बेचे जाएंगे और प्रकाश जावड़ेकर साहब ने स्मार्ट हैकेथॉन के बारे में अनाउंसमेंट किया है। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं, डिजिटली एनेबल्ड मास सर्विसेज इज द फ्यूचर। ये एक स्पेशल टॉपिक है और पिछले 250 सालों की बात करें तो हमने 3 बड़े इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखे हैं। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस जब जब हुए हैं तो इसने पूरी दुनिया को बदल दिया, राइट। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इससे हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, बहुत सारी नई जॉब्स हर बार हमने देखी है। सबसे पहले 19 सेंचुरी की बात करें तो 1784 की बात करें तो उस टाइम पर स्टीम पावर जो है इसका उपयोग होने लगा। और 19 सेंचुरी में तो स्टीम जो है इसका, खास करके ये जो इनोवेशन हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद मास मैन्युफैक्चरिंग हुआ 20th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो यहाँ पर इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 कहते हैं या फिर 2.0। और इसमें जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन है ये क्या है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमने देखा खास करके चाइना में हुआ ये 20th सेंचुरी में, इंटरनेट बेस्ड या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेट एनेबल्ड लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। और अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। हर बार हमने देखा कि एक डिसरप्शन क्रिएट किया नई टेक्नोलॉजी ने। और फॉर एग्जांपल कार्स से पहले जब ट्रेन्स आई तो जब घोड़ा गाड़ी चलती थी तो उसके ऊपर एक इम्पैक्ट हुआ, और कार्स के आने के बाद तो जो घोड़ा गाड़ी है वो धीरे धीरे बंद ही हो गई। आज एक फैशन के तौर पर या फिर एक एन्जॉयमेंट के तौर पर, यू नो, पिकनिक में या फिर ऐसी सारी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती हैं वहाँ पर, या फिर कोई डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, लेकिन आजकल आपको पता है SUVs हैं तो ये सारे व्हीकल्स अवेलेबल हैं। तो जो पहले हॉर्स कार्ट्स का उतना उपयोग हुआ करता था तो वो अब नहीं है। जब कार्स इंट्रोड्यूस हो रही थी तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि जॉब्स लॉस होगी, लेकिन आप सोचिए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी जॉब्स इसने क्रिएट की हैं। बहुत सारे देश जो हैं इनका इकोनॉमिक ग्रोथ कम्प्लीटली ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट या फिर वैरायटी उनके पास हैं, अलग अलग कंपनीज़ हैं, अलग अलग कार्स बनाते हैं। जैसे कि जर्मनी की बात करें तो वहाँ पर आपकी मर्सिडीज़ बेंज हैं, BMW हैं, VW हैं, Audi हैं, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ यू नो वहाँ पर हैं। तो उनकी जो इकोनॉमी है उसका वन ऑफ द मेन सोर्स जो है, चंक जो है उनके ग्रोथ का, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। 4.0 जो है ये भी सारी चीज़ों को डिसरप्ट करने वाला है, रीशेप करेगा। और दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमें मास सर्विसेज जो हैं इसके कॉन्सेप्ट को आज समझना होगा। ये बताया जा रहा है कि जो फ्यूचर है वो मास सर्विसेज का होने वाला है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल को देखते हैं। 1908 की बात करें तो फोर्ड कंपनी जो है, फोर्ड मोटर कंपनी, हेनरी फोर्ड का नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा, तो उन्होंने एक कार लॉन्च की। इस कार का नाम था मॉडल टी। और जो मैं असेंबली लाइन की बात कर रहा था तो आपने कई बार इसको देखा होगा, आपको नाम नहीं पता होगा, इसको कहते हैं असेंबली लाइन। असेंबली लाइन में यह होता है कि एक लंबी लाइन होती है, एक यू नो असेंबली होती है, और एक कार जो है तो उसके पहिए यहाँ पर लगाए जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज में उसमें गेयर्स और इंजन एंड थिंग्स लाइक दैट, फिर नेक्स्ट स्टेज में उसका बॉडी, सीट्स एक्सेट्रा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कहते हैं असेंबली लाइन प्रोडक्शन। तो ये जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन है इसका इनोवेशन किया हेनरी फोर्ड ने। और उस टाइम पर तो कार जो हैं, एक ही कार वो बनाते थे, मॉडल टी, और वो कहते भी थे ऐसा कि आपको हर कलर में ये कार मिल जाएगी एज फार एज वो कलर जो हैं वो ब्लैक हो। इसका मतलब ये है कि ब्लैक के सिवाय और कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। अगर आपको चाहिए तो गाड़ी लीजिए, नहीं चाहिए देन यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक, हमें कार अपनी नहीं बेचनी है। क्योंकि उस टाइम पर उनका
जो कहते हैं एक मोनोपोली थी उनकी। ये जो मॉडल टी है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कार है यही है ये मॉडल टी, और ये जो मॉडल टी कार है तो $260 इसकी कुछ कीमत थी और एवरेज एनुअल वेजेस जो थे लोगों के उसकी हाफ प्राइस थी, तो लगभग लोग जो हैं वो $500 पर ईयर कमाते थे और उसकी हाफ जो साल की जो सैलरी है उतनी कीमत की ये कार थी। तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, इट वाज ऑफ कोर्स ए लग्जरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 1914 में ये जो असेंबली लाइन है तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 के कंटेक्स्ट में आप इसको देखेगा, तो ये जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 जो हुआ हेनरी फोर्ड की कंपनी में, तो 13,000 फोर्ड के कर्मचारियों ने 3,00,000 कार्स प्रोड्यूस की और दूसरी 299 कंपनीज थी तो उन्होंने उनके कुछ 66,000 लोगों ने सिर्फ 2,80,000 कार्स ही प्रोड्यूस कर पाए। तो आप देखिए यहाँ पर कि सिर्फ 13,000 लोगों ने 3,00,000 कार प्रोड्यूस की, इसका मतलब यह है कि जो उन्होंने नई सिस्टम ये असेंबली लाइन की निकाली है दैट इज़ मोर एफिशिएंट, दैट इज़ मोर इफेक्टिव, और कुछ 6 सालों में इसके लॉन्च के बाद 6 सालों में जो प्राइजेस हैं कार की वो काफ़ी कम हो गई, वॉल्यूम जो है इसका ट्रिपल हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, कम टाइम में आप ज़्यादा कार्स बना सकते हैं, उसकी प्राइस भी कम हो गई। आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा, मुझे किताब का नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन एग्जांपल मुझे याद है। आपको पता होगा बहुत सारे फिल्मों में हम देखते हैं, पुराने फिल्मों में मीन्स जो फिल्म होते हैं उसमें एक पुराने वक्त की बात की गई होती है और जो गन्स थी उनके पास, तो हमें आज जब फिल्म की शूटिंग होती है तो एक प्रकार की गन्स ही हमें देखने को मिलती है, लेकिन उस टाइम पर असेंबली लाइन या फिर मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हर जो गन है उसका परफॉर्मेंस जो है उसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलता था। ऐसा भी नहीं था कि एक गन का जो पार्ट है वो आप दूसरी गन में यूज़ कर सके, बिकॉज सारी चीज़ें जो थी वो हैंडमेड थी, तो उसमें थोड़े बहुत वेरिएशन हमें देखने को मिलते थे, वो जो परफेक्शन चाहिए वो उसमें मिसिंग था। एनीवे तो ये एक असेंबली लाइन आई तो इससे चीज़ें जो हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हो गई, टायर के साइज़, इंजन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टैंडर्डाइज हो गई और फोर्ड जो हैं इन्होंने ये जो इनोवेशन किया वो धीरे धीरे दूसरी ऑटोमोटिव कंपनी ने इसको एडॉप्ट किया और उसके बाद दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी, खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री हो या फिर कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री हो, हर कोई जो हैं वो इस असेंबली लाइन प्रोडक्शन की मेथड को अप्लाई करने लगा और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स उस टाइम पर गुड्स जो थे तो उनकी प्राइसेस 3 से 10 गुना तक कम हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, इसी के साथ साथ कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप हुई। यहाँ पर आपको डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जब सप्लाई बढ़ गई, डिमांड लिमिटेड थी तो फिर प्राइसेस जो हैं वो कम होने लगी और चीज़ें भी कम दामों में प्रोड्यूस हम करने लगे, तो इससे फिर एक नया कंपटीशन राइज हुआ, नई नई कंपनीज आई और इन्वेस्टमेंट हुआ और फिर नई जॉब्स क्रिएट हुई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी उस टाइम पर वो ये थी कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी काफ़ी रेगुलेटरी रेजिम जो थी वो काफ़ी सपोर्टिव थी, काफ़ी फैसिलिटेटिव थी, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस प्रकार के थे कि कंपटीशन, फिर यू नो लाइसेंस की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें जो हैं उस आज के समय में थोड़ा स्लो लगेगा लेकिन उस टाइम पर ये गवर्नमेंट खास करके यूएसए की गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया था, तो नई जॉब्स क्रिएट हुई, नया इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ और इकोनॉमी में भी हमें एक ग्रोथ देखने को मिला। आज हम उसी मुकाम पर खड़े हैं, राइट, एक नया बदलाव होने वाला है और ये जो बदलाव है ये होने वाला है मास सर्विसेज में और ये इसलिए पॉसिबल हैं क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ आज अवेलेबल हैं। जो चेंजेस ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 में ये जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन ने किया, वही सारी चीज़ें जो हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्विसेज में एक ज़बरदस्त बदलाव हमें देखने को मिल सकता है और इससे ग्रोथ और जॉब्स दोनों क्रिएट हो सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो हैं इनके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि अब देखिए प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती हैं, राइट, काफ़ी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट हो जाता है सारी चीज़ें। आप ये ही देख लीजिए, लेक्चर एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मैं कहीं पर बैठा हूँ, आप कहीं पर बैठे हैं और हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं बिकॉज द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी, पेन का उपयोग कर सकते हैं, चीज़ों को हाईलाइट, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड वीडियोज एंड सो मेनी थिंग्स। फिर छोटे छोटे जो कंजम्पशन ऑफर्स हैं वो हम दे सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि आपको
कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपको चाहिए, ई कॉमर्स का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें आपको जो चीज़ चाहिए, जिस व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए, तो ऐसी छोटी छोटी कंजम्पशन ऑफर्स उसमें क्रिएट, ऑफर्स का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है. फिर फिजिकल और डिजिटल एसेट्स का मिश्रण भी हमें देखने को मिल सकता है. अगेन ई कॉमर्स एक अच्छा एग्जाम्पल है. इसके अलावा हम कार्स के बारे में बात करें तो जो उबर हैं, ओला हैं, तो ये सारी जो कंपनीज हैं, तो उसमें बेसिकली टैक्सी बिजनेस हैं, राइट. लेकिन एक डिजिटल टच से आप देखिए कि कहीं पर भी बैठे बैठे आप बुक करवा सकते हैं. पहले आपको मेन स्ट्रीट में जाना पड़ता था, वहाँ पर आपको वेट करना पड़ता था, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई. और इनोवेशन, राइट, इससे इनोवेशन को एक बूस्ट मिल सकता है. तो ये कुछ फ़ायदे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के. और कुछ पजल्स हैं जो हमें सॉल्व करनी होगी. जैसे कि आपको इससे पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि बहुत सारी हिडन पोटेंशियल्स जो हैं उनको हमें एक्सप्लोर करना होगा. जैसे कि ह्यूज अनमेट डिमांड है हमारे देश में. हेल्थ के बारे में बात करें, एजुकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक हैं, म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, तो ये सारी चीज़ों का पोटेंशियल हैं. यहाँ पर जब डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का हम उपयोग करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे. उसके बाद हैं वर्ल्ड क्लास पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये भी एक नंबर पॉइंट बी जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला तो जो है वो है अनमेट डिमांड. तो डिमांड अगर हैं तो सप्लाई करने की आवश्यकता है ताकि डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाए. दूसरी जो बात है वो ये है कि जिस प्रकार से जो फिज़िकल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ, तो उसमें रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीज़ों ने, इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. अब हमें चाहिए वर्ल्ड क्लास पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. और हमारे देश में हमारे पास भीम ऐप हैं या फिर भीम प्लेटफॉर्म हैं, जनधन हैं, ई केवाईसी हैं, आधार हैं, डिजी लॉकर हैं, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. अब हम इन सारे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कैसे करते हैं वो हमें सोचना होगा. वी हैव टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक कैटालिस्टिक या फिर हम कह सकते हैं कि एक सपोर्टिव रेगुलेटरी रेजीम, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये फैसिलिटेटिव होने चाहिए, ये सपोर्टिव होने चाहिए. अगर ये तीन चीज़ हमने कर ली, देन वी कैन क्रिएट ग्रोथ, वी कैन क्रिएट चेंजेस. इन एडिशन टू दिस वी नीड पॉलिसी इंटरवेंशन इन सेवरल की एरियाज, जैसे कि डेटा फ्लो जो हैं इसके स्टैंडर्ड को सेट करना, प्राइवेसी को मेंटेन करना, प्रोटेक्शन को मेंटेन करना, फिर टेक्निकल स्किल्स लोगों के अंदर डेवलप करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन करना जिससे कि जो रेवेन्यू शेयरिंग है, अगर यूट्यूब हैं या फिर कोई भी डिजिटल सर्विसेज हैं, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही व्यक्ति सारे पैसे जो हैं वो कमाएं, हर कोई जो है इस डिजिटल इकोसिस्टम से हर किसी का फ़ायदा हो, कस्टमर का, कंज्यूमर का, सर्विस प्रोवाइडर्स का, कंटेंट क्रिएटर्स का. तो रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट्स जो हैं ये पार्टनर्स के बीच में, जो डिजिटल इकोसिस्टम से जो भी फ़ायदा होता है, तो इसका एक स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो. और हमारे पास इन सारी चीज़ों का, जो मास सर्विसेज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये जो मास सर्विसेज हैं उसका हमारे पास एक अनुभव भी है. और ये है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर. आपको याद होगा एक ऐसा वक्त था जब मोबाइल फ़ोन से आउटगोइंग जो हैं, मुझे याद है 16 रुपीज़ था, और इनकमिंग कुछ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 रुपीज़, इतना कुछ था, 14 या 13 रुपीज़ था. आज देखिए फ्री फ़ोन कॉल्स हैं, राइट. अब हम 5G में स्टेप इन होने वाले हैं, आने वाले एक साल में 2020 में हम 5G यूज़ कर रहे होंगे. तो एक अनुभव है हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, जो मास सर्विसेज ने, जिसको, जिस तरीके से हमने मास सर्विसेज को हैंडल किया है, तो इसी प्रकार से हमें डिजिटल सर्विसेज का जो भी एक पोटेंशियल है, उसका जो भी एक आप कह सकते हैं उनकी एक कैपेसिटी है, तो इसका अगर हम पॉजिटिव उपयोग करेंगे, तो ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन जो हमने बात की कि अलग अलग देशों में हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंग्लैंड में डिजिटल नहीं लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इंग्लैंड में हुआ, यूएसए में हुआ, चाइना में हुआ, तो ये 4.0 जो हैं उसके ऊपर हम राज कर सकते हैं. वी कैन बिकम ए सॉर्ट ऑफ पायोनियर कंट्री. आज वक्त है, नाउ इट विल डिपेंड ऑन अस. अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं देन वी विल विन. If we wait and watch for someone else, then we will definitely lose.
अब बात करते हैं कैबिनेट के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में. बहुत सारी आइटम्स को हमें देखना है, तो आई विल बी अ लिटिल बिट क्विक. फेम टू स्कीम के ऊपर भी डिसीजन लिया गया है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग इनटू फेम टू बिकॉज हमने दो तीन बार फेम टू के बारे में बातचीत कर ली है. तो गवर्नमेंट ने काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में डिसीजंस लिया है, हेल्थ, पावर, मेट्रो, फिर रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, और FDI जो एक वोडाफोन आइडिया है, तो उनका जो FDI का एक प्लान है तो 25,000 करोड़ रुपीस का, तो इसको एक अप्रूवल दे दिया है. इसके अलावा सबसे बड़ी खबर है एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, और ये जो AIAHL है ये एयर इंडिया की जो चार सब्सिडीज हैं AIATSL यानी कि एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, फिर एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड एंड होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. और इसके साथ जो नॉन कोर एसेट्स हैं जैसे कि ज़मीन है, बिल्डिंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, आर्ट फैक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो वर्किंग कैपिटल में अगर शॉर्टेज हुई तो ये सारे एसेट्स को बेचकर एयरलाइन को सपोर्ट किया जाएगा. ये सारी चीज़ें करेगी AIAHL. इसके अलावा दो नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई हैं. एक जो है इसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019. इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री है इसकी साइज़ को इंक्रीज करना. 2025 तक हम इसको $70 billion की एक इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं. कुछ 55 लाख नई जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, और इसके लिए कुछ 1500 करोड़ रुपए हैं जो हैं वो 7 सालों के लिए इसको दिए जाएंगे, और ये पैसे जो हैं ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड और रिसर्च इनोवेशन फंड के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे. दूसरी जो पॉलिसी है ये नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 है, और इससे पहले मैंने आपको समझाया था फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल. इसका मतलब ये होता है कि आप जिसे चाहें आप किसी को मना भी कर सकते हैं. तो ये जो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल है ये नेशनल मिनरल पॉलिसी का एक पार्ट होगा, और इसमें जो नॉन कोल मिनरल्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट हो, उसका एक्सप्लोरेशन हो, और ख़ास करके जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको इनक्रेज करने के लिए नेशनल मिनरल पॉलिसी को डिज़ाइन किया गया है. हमारे देश में जो अनटैप्ड पोटेंशियल है, हमारे देश में जो माइनिंग सेक्टर है उसका ओनली 10%, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो हैं पोटेंशियल, तो उसका सिर्फ 10% जो हैं एरिया उसको एक्सप्लोर किया जाता है, और माइनिंग जो है वो सिर्फ 1% एरिया में होती हैं. इसके अलावा एसेट मोनिटाइजेशन पॉलिसी जिसके माध्यम से जो डिस इन्वेस्टमेंट का प्लान है, गवर्नमेंट अपनी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो गैस पाइपलाइन है, पावर ट्रांसमिशन लाइन है, टेलीकॉम टावर्स हैं, तो ये सारी एनिमी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ों को एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के माध्यम से बेचेगी. फिर शुगर मिल्स को कुछ 20,000 करोड़ रुपीज़ का उनके ऊपर कर्ज हैं, एरियर्स हैं, तो इसको क्लियर करने के लिए एक सब्सिडाइज्ड लोन प्रोवाइड की जाएगी. उसके जो रेट होगा लोन का वो होगा 7-8% इंटरेस्ट रेट. कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 11,076 करोड़ रुपीस इसके लिए रखे गए हैं, 5 ईयर्स का ये प्लान होगा. फिर आगरा में मेट्रो, और इसमें 8,380, और नेशनल हाउसिंग बैंक को 1,450 करोड़ रुपीस का एक कैपिटल इन्फ्यूजन का प्लान भी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है. लिंक योर पान विथ योर बैंक फॉर रिफंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह बताया है कि अब जो रिफंड्स हैं वो सिर्फ ई मोड के माध्यम से ही आपके एक बैंक अकाउंट में डायरेक्टली दिए जाएंगे. सो लिंक योर परमानेंट अकाउंट नंबर विथ योर बैंक अकाउंट, बताया है IT डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, फॉर डायरेक्ट स्विफ्ट एंड सिक्योर रिफंड्स. इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आपको पता होगा इसके बारे में. इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं, बहुत ही ब्रीफली अगर बताऊँ तो अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स देना चाहते हैं 2,000 रुपये से अगर वो ज़्यादा हैं तो फिर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो ख़रीदने पड़ेंगे. सिर्फ एक ही हमारे देश की बैंक हैं जो ऑथोराइज्ड हैं ये बेचने के लिए, और वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो मार्च, अप्रैल और मई, मार्च में 1st मार्च से 15th मार्च, अप्रैल में 1st to 20th, एंड मई में 6th to 15th में, ये तीन अलग अलग ब्रैकेट्स दिए हैं, विंडोज़ दिए हैं, जब व्यक्ति जो हैं, लोग जो हैं, वो जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ख़रीद सकते हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं इसकी वैलिडिटी होती है 15 कैलेंडर दिनों की ही. तो अगर मान लीजिए कि आप आज आपने एक इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदा है तो 15 मार्च तक ये चलेगा, और अगर 15 मार्च तक पॉलिटिकल पार्टी ने, आपने जिस
किसी आपके मनचाहे पॉलिटिकल पार्टी को आपने दिया और अगर वो फिर डिपॉजिट नहीं करवाते तो जो भी पैसे हैं वो पैसे वो उनको नहीं मिलेंगे, वापस आपको भी नहीं मिलेंगे। तो 15 डेज में इसका उपयोग कर लेना है। कुछ 29 ब्रांचेस हैं एसबीआई की, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई हैं, चंडीगढ़ भी हैं, गांधीनगर हैं, रांची हैं और बेंगलुरु, और इसके अलावा दूसरी टोटल 29 स्पेसिफाइड एसबीआई की ब्रांचेस हैं। सिर्फ वहीं पर ही आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो मिलेंगे। आपको इसके लिए या तो इंडियन सिटीज़न होना पड़ेगा या फिर अगर आप ऐसे कॉरपोरेशन अगर लेते हैं तो फिर आप भारत में एस्टैब्लिश्ड आपका होना आवश्यक है। और एक व्यक्ति जो है वो अकेले या फिर यू कैन जॉइंटली परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। लास्ट आइटम ऑफ द डे, प्रकाश जावड़ेकर साहब जो हैं इन्होंने स्मार्ट हैकेथोन का अनाउंसमेंट किया है। और ये जो स्मार्ट हैकेथोन है ये हमारे देश का थर्ड स्मार्ट हैकेथोन है। ये आईटी के साथ, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी हुई एक स्मार्ट हैकेथोन है। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक कंपटीशन रखी जाती हैं ताकि जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के डिजिटल सॉल्यूशंस जो हैं, हम फ्रेश यंग लॉट्स हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका जो उत्साह है, उसका एक पॉजिटिव उपयोग कर सकें। पहली बार ऐसा हो रहा है, जावड़ेकर साहब ने ये बताया है कि फर्स्ट टाइम जो इंडस्ट्री हैं उनको भी ये आमंत्रण दिया है कि आप बताइए अगर आपको कोई ऐसे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आपको आप फेस कर रहे हैं तो आप बताइए, तो उनको भी हम लिस्ट में रखेंगे। तो ये स्मार्ट हैकाथन होगा, तब स्टूडेंट को ये भी चैलेंज दिया जाएगा कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी और फर्स्ट एडिशन जो हुआ था उसमें कुछ 40,000 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था। लास्ट ईयर 1,00,000 स्टूडेंट ने इसमें पार्ट लिया था और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स विल टेक पार्ट दिस ईयर। 29 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे देश के, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के तहत काम करते हैं और इनके कुछ 598 प्रॉब्लम्स जो हैं इनका डिजिटल सॉल्यूशंस जो हैं वो सीख कर रहे हैं। और क्रिएटिविटी एक्सपर्टीज़ हैं, फिर एक इंस्टीट्यूशनल लेवल में एक स्पार्क मिले, यंग ब्लड जो है हमारा उसका हम उपयोग कर सके, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, गवर्नेंस इम्प्रूव हो, सिटीज़न के लिए ईज़ ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, तो ये सारी चीज़ों को इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस हैकेथॉन में रखे जाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप के आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑफकोर्स हमने बात की है, एंड आई एम श्योर दिस टॉपिक्स दैट वी आर डिस्कशिंग विल हेल्प यू विथ योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, विथ योर ग्रूमिंग, और आपकी मेंस एग्जामिनेशन में, आपके आंसर राइटिंग में और आपके इंटरव्यू में। ये सारे डिस्कशंस आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देगी, ये मेरा यहाँ पर एक प्रयत्न है। आई विल शेयर द PDF विथ ऑल ऑफ यू गाइज ऑन दिस 4 वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और इस लेक्चर को अगर पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस न्यूज़ दैट कमांडर अभिनंदन इज बैक। Okay friends, I'll see you tomorrow. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.